हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ट्रिपल सी क्रैश कोर्स को। ये है सेशन एमएस वर्ड का जो मटेरियल एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है। ठीक है, इससे पहले मैंने फंडामेंटल को कवर किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम, ये पूरा एग्ज़ाम पर्पज़ से ही मैंने पूरा सेशन बनाया है। ठीक है, तो आप फंडामेंटल वाला सेशन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बात हो रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत ही होता है एमएस वर्ड। ठीक है, एक पैकेज है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ एन ऑफिस सूट ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, और एक चीज़ और जानूँ, सर्वर एंड सर्विस फॉर द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वॉज फर्स्ट अनाउंस बाई बिल गेट्स। और माइक्रोसॉफ्ट अगस्त, ये जो आया था अगस्त, 1 अगस्त 1988 को आया था कॉमडेक्स लॉस वेगास में। ठीक है, एक जगह है अमेरिका में, वहाँ से आया था। और एम एस ऑफिस प्राइमरली इंक्लूड किया था, इनमें से जो एम एस ऑफिस था इसके अंतर्गत वर्ड लाया गया था, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस आउटलुक को लाया गया था। ठीक है, और इट आल्सो इंक्लूड ऑफिस जो वन नोट होता है, ग्रू नोट होता है, इन्फोपाथ होता है, पब्लिशर होता है। इनके लगभग 8 से 12 फीचर हैं जो इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, इस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से वो जान लो आप कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। मतलब जो एमएस वर्ड है उसको डेवलप करने वाली कंपनी कौन है, वह माइक्रोसॉफ्ट। इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग, रिट्राइविंग एंड प्रिंटिंग ऑफ द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इसमें हम फॉर्मेटिंग भी करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, और सॉर्टिंग वगैरह सब कुछ हम करते हैं ना इसमें। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नेटिव फाइल फॉर्मेट आर डिनोटेड आदर बाई .doc, .docx। मतलब क्या, ये जो बात हम करेंगे DOC, मतलब 2003 की बात करेंगे। ठीक है, और जो अभी लेटेस्ट की बात करें ना, तो वहाँ पे हम बात करेंगे क्या, 2007 की बात करेंगे। ठीक है, तो आंसर एग्जाम में पूछता है कि इसका एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, तो समझ लेना .docx लगा होगा, एक्स पर होता है एक्सट्री डॉट। ठीक है, और एमएस वर्ड का जो फाइल होता है, फाइल को बोलते हैं हम लोग क्या, डॉक्यूमेंट। अब अगला कि कर्सर इज अ इंडिकेटर यूज टू शो द पोजिशन ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर और अदर डिस्प्ले डिवाइस दैट विल रिस्पॉन्ड टू इनपुट फ्रॉम अ टेक्स्ट इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस। इसके बाद टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट वी यूज न्यू कमांड एट द मेनू। हाँ, मेनू में न्यू कमांड होता है, ये क्वेश्चन पूछता है तो ख्याल रखना। तो न्यू कमांड जो होता है मेनू के अंतर्गत होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेव एज इज यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। इट इज यूज इट ऑल्सो यूज टू चेंज द डेस्टिनेशन ऑफ द सेव फाइल इन कंप्यूटर। इसे कंट्रोल एस से हम कहते हैं सेव, और सेव एज की बात करेंगे तो हम यूज करते हैं क्या, F12। ठीक है ना, F12 का इस्तेमाल करके हम सेव एज करते हैं। मतलब क्या, हम किसी और नाम से चेंज करना चाहते हैं या रीनेम करना चाहते हैं, डेस्टिनेशन चेंज करना चाहते हैं, लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, तो हम F12 का इस्तेमाल करते हैं। और प्रिंट प्रीव्यू इज यूज टू सी द डॉक्यूमेंट बिफोर द प्रिंट आउट इज टोकन। इसको ख्याल रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ ख्याल रखना, जब हमें कोई किसी डॉक्यूमेंट को या एक्सेल में किसी भी शीट को प्रिंट करना होता है, तो हम पहले उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं, कहीं उसको कहीं फॉल्ट तो नहीं है, कहीं कट तो नहीं है डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओके, और इसका शॉर्टकट क्या होता है, इसका शॉर्टकट ये होता है शिफ्ट के साथ F12। ठीक है, शिफ्ट के साथ क्या होता है, सॉरी एक मिनट, शिफ्ट के साथ होता है F2। ठीक है, उसके बाद है कट एंड पेस्ट ऑप्शन आर यूज टू मूव द डेटा पार्ट द डॉक्यूमेंट अप अनदर। ठीक है, तो कट कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, और कंट्रोल सी से कॉपी होता है। ठीक है, कंट्रोल की और फंक्शन की का इस्तेमाल हम करेंगे। और कंट्रोल F2 क्या होता है, चूज द प्रिंट प्रीव्यू कमांड, को यहाँ पर दिया ना कंट्रोल F2, सॉरी यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू जो होगा कंट्रोल F2 से होगा। ओके, कंट्रोल F3 से क्या होगा, कट द स्पाइक, यानी अगर कंट्रोल F3 करते हो तो वहाँ पे कटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। कंट्रोल F4 क्या होगा, क्लोज द विंडो, पूरा पूरे विंडो को बंद करने के लिए। कंट्रोल F6 क्या होगा, गो टू द नेक्स्ट विंडो, दूसरे विंडो में जाने के लिए हम कंट्रोल F6 का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद क्या है, कंट्रोल F9 से इंसर्ट द एम्प्टी फील्ड, यानी ब्लैंक फील्ड चाहिए तो कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे और वहाँ पर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं हम। और कंट्रोल F10 से क्या होगा, मैक्सिमाइज विंडो, यानी जो डॉक्यूमेंट ओपन है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। और कंट्रोल F11 से लॉक द फील्ड, फील्ड को लॉक कर सकते हो। F12 से क्या होगा, ओपन कमांड। ठीक है, इसके बाद देखो आप
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के अंतर्गत क्या होता है? पोर्ट्रेट, ये क्वेश्चन पूछा है कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ऑप्शन आर अवेलेबल इन ओरिएंटेशन कैटेगरी आप पे सेटअप। हाँ ठीक है, तो अलाइनमेंट रेफर टू द पोजिशन टेक्स्ट बिटवीन द मार्जिन। ठीक है, जो अलाइनमेंट क्या होता है, एक सेटिंग होता है, मतलब कि आज से ये हमारा पेज है, तो अगर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो लेफ्ट अलाइन होता है, राइट अलाइन होता है, एक बी से लिखता है इसको बोलते हैं मिडिल अलाइन। ठीक है, ऑटो कंप्लीट इज अ फीचर इन वर्ड दैट ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड द स्पेलिंग ऑफ डेज ऑफ द वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर हैव मोर फाइव लेटर इन देयर नेम। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे। और इसके बाद F1 से क्या होता है, हेल्प मिलता है। F2 से होता है टेक्स्ट ग्राफिक्स को मूव करना। F4 से रिपीट होता है, लास्ट सेक्शन को रिपीट करना। F5 से क्या होगा, गो टू कमांड। F4 से क्या होगा, नेक्स्ट जो पेन होता है फ्रेम उसको ओपन करना। F7 से क्या होगा, चूज द स्पेलिंग कमांड। स्पेलिंग कमांड का शॉर्टकट क्या होता है, F7। F8 से क्या होता है, एक्सचेंज सिलेक्शन पॉइंट। F9 से होता है, अपडेट द सिलेक्शन फील्ड। F10 से क्या होगा, शो द की ट्रिप। F11 से गो टू द नेक्स्ट फील्ड। F12 से हो जाएगा होगा चूज सेव एज कमांड माइक्रोसॉफ्ट बटन। ठीक है, यहाँ पे जो मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर प्रैक्टिकली करना चाहते हो तो मैंने प्रैक्टिकल में भी मैंने बना के रखा है वीडियो, आप उस जाके प्ले लिस्ट से जाके एम एस वर्ड का पूरा देख सकते हो। ठीक है ना, मैंने होम का पूरा वीडियो बना दिया है, होम का इंसर्ट होगा मैं बनाने वाला हूँ जल्दी। अब बात करते हैं हेडर एंड फुटर क्या है। देखो हेडर फुटर को समझना है बहुत आसान, इसको सीधा रखो। देखो ये पेज हमारे पास, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हेडर बोलते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा होता है बॉटम इसको बोलते हैं फुटर। ठीक है, ऑप्शन इज यूज टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन सच एज टाइटल, पेज नंबर एंड डॉक्यूमेंट। हाँ ठीक है, यहाँ पर टाइटल वगैरह होता है, यहाँ पर डेट वगैरह हो सकता है। ठीक है, ओके, द बार एट द टॉप ऑफ द विंडो दैट बियर्स द नेम ऑफ विंडो इज नोन एज टाइटल बार। ठीक है, जो टाइटल बार क्या होता है, जो पेज का सबसे ऊपर ऊपरी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ पर जो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम भी शो करता है वहाँ पर। स्क्रीन एलिमेंट ऑफ एमएस वर्ड दैट इज यूजली लोकेट बिलो द टाइटल बार दैट इज प्रोवाइड कैटेगरी ऑप्शन इज कॉल्ड मेनू बार। ठीक है, मतलब बहुत सारे कैटेगरी में जहाँ मिलते हैं उसको बोलते हैं मेनू बार। और ऑटो करेक्ट इज अ वर्ड ऑटोमेटिकली करेक्ट द सर्टेन स्पेलिंग टाइपिंग कैपिटलाइजेशन और ग्रामर एरर। ग्रामर एरर के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ऑटो करेक्ट का। ओके, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ें, थ्रेजर्स क्या होगा करना। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं थ्रेजर्स का, लिखा कि सिनोनिम्स का इस्तेमाल करने के लिए, यानी एक ही वर्ड है उसका कई हमें मतलब जानना है। मतलब जैसे कि लिख दिया मैंने टीम, टीम का हो सकता है ग्रुप, ठीक है ना, ट्रूप, बटालियन वगैरह हो सकता है। इसके बाद वर्ड आर्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट जो होता है डेकोरेटिव टेक्स्ट होता है, टाइटल होता है, वाटर मार्क जैसा हो सकता है, ग्राफिकल इफेक्ट जैसा हो सकता है, शेडो जैसा हो सकता है, रोटेटिंग स्ट्रेचिंग वैरायटी, अलग अलग डिफरेंट टाइप के कलर के साथ ये वाटर मार्क सॉरी वर्ड आर्ट वाले टेक्स्ट मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट साइकिल, आउटपुट साइकिल एंड प्रोसेसिंग साइकिल। और पेज सेटअप इज नॉट ऑप्शन ऑफ एडिट मेनू, जो पेज सेटअप होता है वो हमें फाइल ऑफिस बटन के अंतर्गत मिलता है। रडार चार्ट इज यूज टू शो द कोरिलेशन बिटवीन द टू डेटा सीरीज। और हॉरिजॉन्टल बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, और एक फ्लॉपी इज इक्वल टू 6.30784 बाइट। ठीक है, और एक्सेल का यूज़ हम कहाँ करते हैं उसको भी समझ लो। ठीक है, एक्सेल का यूज़ मोस्टली हम कोई इन्फॉर्मेशन लिखना हो, सिंपल कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, या डॉक्यूमेंट बनाने के साथ साथ अगर हमें मेलिंग लिस्ट बनाना हो, कॉल लेटर वगैरह बनाना हो तो बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ठीक है, अगर कॉल लेटर अगर आपको बनाना सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। ठीक है, मैं उसको मेल मर्ज के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास बहुत सारे एड्रेस हो सभी लोग के लिए, मैं केवल दो पेज में अगर कहोगे 2 करोड़ लोग का, ठीक है ना, 10,000 करोड़ 10,000 लोग का, मैं 2 पेज से 10,000 लोग का हार्ड कॉपी बना सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।